गाइस आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल नेहास किचन में। तो आज भी मैं आपको यूरोप का एक बहुत ही खूबसूरत सा शहर घुमाने वाली हूँ और शायद आपने गेस कर लिया होगा, जी हाँ ये है पेरिस और मेरे जस्ट पीछे है एफिल टावर। तो आपके इस ट्रिप में कोई भी चीज़ मिस ना हो इसके लिए आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं एक खूबसूरत सा शहर पेरिस। तो लंदन से पेरिस के लिए हमने फ्लाइट नहीं इस बार लिया है ट्रेन, जो कि है यूरोस्टार। अगर आपको डायरेक्ट डिज्नीलैंड जाना है तो आप लंदन से डायरेक्ट डिज्नीलैंड की भी ट्रेन ले सकते हैं। तो फ्रांस के लिए आपको शेंगेन वीजा लगेगा। तो लंदन स्टेशन में ही आपका इमिग्रेशन प्रोसीजर हो जाता है तो आप पेरिस में डायरेक्ट एग्जिट कर सकते हैं। तो जो ट्रेन जर्नी थी बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल थी, बच्चों ने भी काफ़ी इसे इंजॉय किया और ये इसे पेरिस पहुँचने में लगते हैं करीबन 2.5 से 3 घंटा। तो ट्रेन में कॉफ़ी एंड स्नैक्स की भी फैसिलिटीज़ है, बट आपको ये बाय करना पड़ेगा, ये टिकट के साथ फ्री नहीं है। तो तकरीबन 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यूरो टनल पार करते हुए हम पहुंच चुके हैं पेरिस। तो पेरिस स्टेशन पहुंचने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस या ट्रेन लें या फिर एक कैब करके अपने होटल तक जाएँ। तो स्टेशन के बाहर से अगर आप कैब सर्विस लेंगे तो वो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी, तो आप ऐप के थ्रू अपना कैब बुक करें। तो क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा पिक पॉकेटिंग होने के चांसेस होते हैं, इस वजह से हमने कैब हायर किया और सबसे पहले हमने अपना BRP और पासपोर्ट होटल में सेफली रख दिया। तो स्टेशन में आपको कुछ इस तरीके से मशीन मिल जाएंगी तो जिसमें आप 10 टिकट्स का बुक ले सकते हैं, जो आपको पड़ेगा 16.9 यूरोज़ का, जिसमें आप लेस देन 10 ईयर्स के लिए टिकट ले सकते हैं जो आपको और भी चीप पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके के आपको 10 टिकट्स मिलेंगी तो जो आप बस ट्रेन और ट्रैम में सिंगल जर्नी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एफिल टावर हम जा रहे हैं ट्रेन से, तो यहाँ पर जो ट्रेन होती है ये डबल डेकर होती है। तो सारी ट्रेन डबल डेकर नहीं होती हैं, कुछ ट्रेन हमारे यहाँ के ट्रेन जैसे भी होती हैं। तो पेरिस में आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो आप अपने बैग वॉलेट्स को बड़े ध्यान से रखिएगा क्योंकि यहाँ पिक पॉकेटिंग के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। और फाइनली वो टाइम आ गया जब हम मिले एफिल टावर से। तो एफिल टावर की टिकट आप यहाँ से भी ले सकते हैं और या फिर ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं। अगर एफिल टावर आप वीकेंड पे या फिर वेकेशन के टाइम आ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसकी टिकट्स ऑनलाइन ले लें, और अगर आप वीकडेज में आ रहे हैं और ज़्यादा रश नहीं है तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मौसम देखकर ही यहाँ की टिकट लें, क्योंकि पेरिस में कभी भी बारिश हो सकती है। तो बारिश में ये जो इसका टॉप लेवल है ये क्लोज कर देते हैं। तो हमने तो इसकी टिकट ऑनलाइन ले ली थी तो हमें यहाँ वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट इसके एंट्रेंस में चल पड़े। तो यहाँ पर हमसे कोई आईडी कार्ड तो नहीं मांगा गया, बट अगर आपको टिकट बुकिंग के टाइम आईडी कार्ड रखना है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड, भी कोई भी गवर्नमेंट आईडी कार्ड रख सकते हैं। तो हमने तो इसके लिफ्ट की टिकट ली थी, अगर आप चाहें तो इसे स्टेयर से भी पूरा ऊपर तक जा सकते हैं। तो अगर पॉसिबल हो सके तो आप लिफ्ट के लेफ्ट साइड में खड़े हों ताकि आप पूरा पेरिस का नज़ारा देख सकें लिफ्ट से। और पहुंच चुके हैं हम एफिल टावर के सेकंड फ्लोर पे और यहाँ से आपको पूरे पेरिस का नज़ारा देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ आप एक बात नोटिस करेंगे कि यहाँ सारी जो बिल्डिंग्स है पेरिस में ये सेम कलर की है, ये ऑफ वाइट कलर की है और इस वजह से ये जो पेरिस का नज़ारा ये बहुत ही सुंदर दिखता है।
तो इसके फर्स्ट फ्लोर पे कुछ रेस्टोरेंट है और यहाँ इसके सेकंड फ्लोर पे यहाँ पर एक कॉफी शॉप भी है जहाँ आपको सैंडविच वगैरह कुछ खाने को मिल सकता है। और अब हम जा रहे हैं इसके टॉप लेवल पर, तो याद रखिएगा टिकट खरीदते वक्त आप इसके टॉप लेवल की भी टिकट जरूर खरीदिएगा अगर मौसम अच्छा है तो, क्योंकि अगर आपने टॉप लेवल मतलब समिट की टिकट नहीं खरीदी है तो यहाँ पर आप टिकट नहीं खरीद सकते हैं, इसीलिए आपको टिकट खरीदते वक्त ही इसके फ्लोर की टिकट खरीदनी पड़ेगी। और आ गए हैं हम इसके टॉप लेवल पे, तो यहाँ पर भी पेरिस का नज़ारा बहुत ही अच्छा और खूबसूरत है। तो इस फ्लोर का पूरा एक राउंड लेकर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से पूरा पेरिस का नज़ारा कैसा है। तो अगर आपके ट्रिप में पॉसिबल हो तो आप यहाँ पर लेट इवनिंग की टिकट्स लीजिएगा ताकि आपको दिन का और रात का दोनों का नज़ारा देखने को मिले। तो हम एफिल टावर गए थे स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल, तो उस वक्त यहाँ पर सनसेट हो रहा था करीबन 8 o'clock। तो आप अगर लेट समर में जा रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ टिकट करिएगा, और अगर विंटर में जा रहे हैं तो थोड़ा जल्दी टिकट करिएगा। तो एफिल टावर को रात में ऐसा जगमगाता हुआ देखना और वहाँ से पूरी सिटी को लाइट में देखने का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, तो आप ये चांस बिल्कुल भी अपने ट्रिप में मत छोड़िएगा। और यहाँ से हम चल पड़े थे अपने बोट ट्रिप के लिए, और जिससे हम पूरा पेरिस रात में बोट से देखना चाहते थे। तो बोट के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिलेंगे, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ कोई सा भी बोट ट्रिप ले सकते हैं। तो हमने रात की सबसे आखिरी बोट ट्रिप ली थी और जिसका टाइमिंग था रात को 10 बजे, तो रात को 10 बजे जो बोट ट्रिप होती है वो सबसे आखिरी होती है, और इसे पूरा 1 राउंड लेने में 1 आवर लगता है, और जिसमें आप पेरिस की बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस के बारे में भी देखेंगे और उसकी हिस्ट्री के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो पेरिस में रात में 10:30 के बाद मोस्टली फैमिली रेस्टोरेंट क्लोज हो जाते हैं, तो बोट ट्रिप के बाद हमें एक रेस्टोरेंट खोजने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बट लकली हमें मैकडोनल्ड्स मिल गया और जहां हमने बर्गर खाया। तो अगर आप लेट नाइट पेरिस एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आप ये बात याद रखिएगा कि अगर आप बहुत लेट कर लिए तो आपको खाने के लिए यहां कुछ भी नहीं मिलेगा, और खासकर अगर आप मेरे जैसे वेजिटेरियन हैं। और यहां पर आप सेफ्टी का भी याद रखिएगा, जैसे मैंने पहले ही कहा यहां पिक पॉकेटिंग और चोरी बहुत होती है। तो फर्स्ट डे पेरिस का हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है, थर्ड और फोर्थ डे भी हम पेरिस ही घूमेंगे और जिसके डिटेल्स आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। सेकेंड डे हम घूमे थे डिज्नीलैंड, तो डिज्नीलैंड का व्लॉग जो है मैंने सेपरेटली बनाया है क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है, तो आप वो वीडियो चेक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो नेक्स्ट डे हम यहाँ पर आ गए ओपरा स्टेशन, जहाँ से यहाँ हॉफ एंड ऑफ की बसेस मिलती हैं, तो हमें इसकी टिकट प्राइसेस थोड़ी महंगी लगी, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना पेरिस को पैदल ही एक्सप्लोर किया जाए। तो बस 5 मिनट वॉक करके हम पहुंच गए ओपरा हाउस।
बहुत ही लकी थे कि हमें यहाँ पर कोई क्यू नहीं मिला, क्योंकि जब हम यहाँ से निकल रहे थे तो इसमें काफी लंबी क्यू लगी हुई थी बाहर तक। तो यहाँ पर आकर हमने टिकट बाय की और ये जो स्टाफ है, ये जो लेडी है, इन्होंने हमारी काफी हेल्प की टिकट बाय करने में। तो ये जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और अगर आप पेरिस आ रहे हैं तो ये जगह देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और ट्रेन लेकर हम चल पड़े हैं आर्क डे ट्रायंफ को देखने के लिए। तो आप इसे ऊपर से भी जाकर देख सकते हैं, पर आपको उसके लिए टिकट्स लेनी पड़ेगी। हमने इसके ऑनलाइन टिकट्स नहीं खरीदी थी और टिकट काउंटर में बहुत ही लंबी क्यू थी, इसीलिए हमने इसे ऊपर से जाकर नहीं देखा। तो आर्क डे ट्रायंफ इसलिए फेमस है क्योंकि ये फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड नेपोलियन वॉर का प्रतीक है। तो इसके वॉल पे आपको फ्रेंच विक्ट्रीज के नाम भी देखने को मिलेंगे और इस जगह की एक और भी खासियत बात है कि ये सब दुनिया का सबसे बड़ा राउंड अबाउट है। यहाँ पर 12 जो रोड्स हैं वो आकर यहाँ पर मिलती हैं और ये जगह रात में भी उतनी ही खूबसूरत दिखती है जितना ये दिन में खूबसूरत है। और इसके बाद हमने सोचा कि यहाँ से वॉक करते हुए चलते हैं एफिल टावर की तरफ। तो अगर आप ब्रांडेड चीज़ों के शौकीन हैं तो बस ये जो स्ट्रीट है ये बिल्कुल आपके लिए ही है। यहाँ आपको दुनिया के टॉप ब्रांडेड के शोरूम्स देखने को मिलेंगे। तो एफिल टावर चलते चलते मेरा बेटा जो है वो काफी थक गया था, तो हमने सोचा कि क्यों ना स्कूटर हायर किया जाए। तो साइकिल और स्कूटर के आपको काफी ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको ऐप के थ्रू ये स्कूटर हायर करना है और आप कितने देर इसे यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इसके चार्जेस लगेंगे और लास्ट में आपको इसे पार्किंग में ही पार्क करके छोड़ना है। तो इसके पार्किंग की लोकेशन आपको ऐप में ही दिख जाएगी। और फाइनली हम पहुंच गए हैं फिर से एक बार एफिल टावर। तो स्कूटर हमने उसके पार्किंग में पार्क कर लिया है। तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि एफिल टावर के आसपास आप किसी भी अननोन पर्सन को फोटोग्राफ्स के लिए ना बोलिएगा, क्योंकि इस एरिया में सबसे ज्यादा पिक पॉकेटिंग होती है। तो यहाँ पर हमें और भी घूमना था, हमें एफिल टावर के उस साइड भी जाना था। बस शाम हो चुकी थी और यहाँ से जो एफिल टावर का नज़ारा था वो इतना खूबसूरत था और वहाँ पर एक गिटारिस्ट गिटार बजा रहा था और जो ये शाम थी इससे बेहतर शाम और कोई हो भी नहीं सकती थी। तो हमने सोचा कि बस यहीं पर अब ठहर जाए और हम एफिल टावर के लाइट ऑन होने का वेट कर रहे थे। तो ट्रिप का आज हमारा चौथा दिन है, बट आज हमारी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है। आज हम निकले थे लूवर म्यूजियम के लिए और आज इतनी तेज बारिश थी कि सारे टूरिस्ट ने सोचा कि क्यों ना इंडोर एक्टिविटी किए जाए और इस वजह से हमें यहाँ की टिकट्स नहीं मिली। तो ये जो म्यूजियम है ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। मोनालिसा की पेंटिंग भी यहाँ पर है और ये पूरा प्रीमाइसिस जो है वो 700 मीटर में फैला हुआ है। तो आप इसकी टिकट्स ऑनलाइन जरूर बुक करा लीजिएगा, हमारे जैसी गलती बिल्कुल भी ना करिएगा। और फिर हम सोचने लगे कि अब कहाँ जाया जाए जहाँ हम इस हेवी रेन से बच सकें। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप था एक्वेरियम। तो इसकी टिकट अगर आप काउंटर से नहीं ऑनलाइन लेंगे तो ये काफ़ी चीप है, तो जिसका हमें वहाँ जाकर पता चला। तो अगर आपको एक्वेरियम जाना है तो आप उसकी टिकट ऑनलाइन खरीदिएगा। तो पेरिस का 4 दिन का ये सफर हमारा यहीं पर खत्म हुआ। शाम की हमारी लंदन के लिए ट्रेन थी। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी मुझे जरूर दीजिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो में।